हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रहा था सुपरमार्केट, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, तो उसका वीडियो है। थोड़ी बहुत इधर रास्ते में जितने भी बीचेस वगैरह मिलेंगे तो थोड़ी बहुत उसके शॉट आपको मिल जाएंगे देखने को। तो गाइस, आप भी बताना कमेंट में, बताना मुझे किस टाइप के वीडियो आपको लग रही है, अच्छी या नहीं लग रही है, या मुझे किस टाइप की वीडियो और आगे डालनी चाहिए। तो गाइज़, उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो जो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो गाइज़ देखो, इधर वीडियोस में कैसे, इधर देखो कैसी रोड है मॉरिशस में। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अभी। तो गाइज़, यहाँ पे क्या है ना, जितना भी मॉरिशस में ये छोटे छोटे हट टाइप के बने हैं ना, तो जितनी भी बसेस वगैरह हैं यहीं पे रुकती हैं। तो आप जैसे कहीं पे भी अगर हाथ दे के जैसे रोकना चाहें तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं। अभी देखो जैसे कैब रुक गई यहाँ पे, तो ये लोग बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हर जगह पर, मतलब जगह जगह पर छोटे छोटे स्टॉप बने हुए हैं हट टाइप के, तो वहीं पे रुकती है बस। और छोटी गाड़ियाँ भी अगर आप बुलाएंगे तो उसके आसपास ही आएंगी वो। तो इस तरीके का यहाँ पे है सिस्टम, तो काफ़ी अच्छा है मॉरिशस में, देखने लायक है मॉरिशस। आप लोग भी अगर घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं इधर, सबसे बेस्ट प्लेस है। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑन अराइवल वीज़ा है इधर, तो आपको इंडिया से पहले वीज़ा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए। आप डायरेक्ट एयर मॉरिशस की फ़्लाइट बुक करें, और जैसे ही आप इधर मॉरिशस पहुंचेगी आपकी फ़्लाइट, तो आपका ऑन अराइवल वीज़ा लगेगा। तो वो आप डिपेंड करते हैं आप कितने दिन का लगाना चाहते हैं, तो उनको बोल लीजिएगा, तो उस तरीके से वो कर देते हैं वहाँ से। ठीक है गाइस, तो घूमने लायक बहुत बढ़िया जगह है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत साल हो गए इधर, तो इन्जॉय कर रहा हूँ मैं तो अपना। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इन्जॉय कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, अभी मिलते हैं, अभी मैं पहुँचने ही वाला हूँ बस। तो आगे एक बीच और है, तो उसका भी आपको व्यू मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो गाइज, जो आप ये बीच देख रहे हो, इस बीच का नाम है ट्रियोक्स बीच। सो इस बीच पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है लेटेस्ट। अभी ये जो अपनी एक मूवी आई थी पुरानी मलंग मूवी, तो उस मूवी का सीन भी यहीं पे लिया गया था सारा। और भी कभी ये द डी बुक करके एक मूवी आई थी इमरान हाशमी की, वो पूरी मूवी यहीं शूट हुई है मॉरिशस में। तो बहुत सारी यहाँ पे मूवीज़ वगैरह आते रहती हैं, तो क्योंकि बहुत अच्छा प्लेस है, देखने में अच्छा है हर चीज़, और ऑन अराइवल वीज़ा भी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है मूवी वालों को भी। तो मूवी का क्रू भी इजीली यहाँ पे सरवाइव कर लेता है। तो गाइस अभी देखो, ये ट्रियोक्स बीच का ही है ये भी सीन। तो यहाँ पे बोट खड़ी हैं बहुत सारी, तो ये देखिए सारे यहाँ फॉरनर ही आते हैं घूमने के लिए ज़्यादातर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस देख लीजिए आप, ये ट्रियोक्स बीच का ये भी सीन, ट्रियोक्स बीच का ही है पूरा। तो अभी आगे को निकलते हैं, पार्टी ज़्यादा होती है इधर बीच पे, लोकल के भी बहुत लोग इन्जॉय करते हैं संडे सैटरडे को, क्योंकि संडे सैटरडे इधर वीकेंड रहता है। तो जितना भी लोग कमाते हैं इधर, तो संडे सैटरडे को पार्टी वगैरह करके अपना इन्जॉय। ये देखिए सामने ये लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं, तो ये लोग अपना गिटार लेके मॉरिशन लैंग्वेज में गाना वगैरह चल रहा है इनका। तो अभी ये गाना तो मैंने हटा दिया है, क्योंकि एक बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था इस वीडियो पे, तो तब मुझे ऑडियो शूट करना पड़ा इस वीडियो का।
तो गाइज़ यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गए थे मुझे मेरे, तो ये भी अपने होटल पे ही काम करते थे पहले, तो अभी तो ये छोड़ दिए, तो अभी ट्यूब पे ही काम करते हैं, तो थोड़ी देर। सो ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ दिखाएंगे आपको।